अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, जिसके लिए मैं डो रेडी करती हूँ। तो डो रेडी करने के लिए मैं इस आटे में प्लेन जो आटा होता है हमारे घर में, जो गंदम का प्लेन आटा होता है, मैंने वो लिया है। और मैं उसमें ये एक चम्मच इसमें नमक ऐड करूँगी और इसमें एक चम्मच ही ऑयल ऐड करूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद हम इसे अच्छी तरह हल्के से नीम गरम पानी से इसको गूंद के और एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। हमारा डो रेडी हो चुका है आलू के पराठों के लिए। बिल्कुल सॉफ्ट सा डो होना चाहिए। मैं इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट दूंगी ताकि हमारा आटा बिल्कुल सेट हो जाए। अब ये मैंने जो डो रेडी किया था उसका मैंने ये पेड़े बना लिए। मैं आपको यहाँ पर एक टिप दूंगी जिससे आपके पराठे कभी फटेंगे भी नहीं। या आपने इसमें आलू की फिलिंग करनी है और आलू की फिलिंग करने के बाद आप इसमें अगर ज़्यादा आलू भी फिलिंग करते हैं ना, तो इसको फिलिंग करने के बाद आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है इसको रेस्ट दे दीजिएगा। ये फिलिंग करके इसकी और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगी, आपके पराठे कभी भी नहीं फटेंगे। ये देखें इस तरह, देखें मैंने कितना सारा इसके अंदर आलू डाला है। ये देखें, ये इस तरह मैं इसको बंद कर दूंगी और इसके बाद मैं दूसरा पराठा भी इसी तरह बनाऊंगी और मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। तो अब 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं अपने पराठों को बेलना स्टार्ट करूंगी। ये मैंने आलू के पराठों को बेल लिया है। देखें मेरा पराठा कहीं से भी नहीं फटा है, बिल्कुल वैसे ही है। इसलिए आप लोग भी 10 मिनट पहले आलू की फिलिंग अगर आटे में करके रखेंगे ना, तो आपका पराठा भी कभी भी नहीं फटेगा। तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं ये पराठा इस पर डालूंगी। आलू के पराठे हमारे बनके तैयार हो चुके हैं और देखें ये कितने मज़ेदार लग रहे हैं। बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं और इसके अंदर आलू भी, ये देखें कितना ज़्यादा इसके अंदर आलू है। और इसके अंदर मैंने कसूरी मेथी जो ऐड की है वो आप स्किप मत कीजिएगा। कसूरी मेथी की वजह से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।